Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. आपके अंतर मन की अद्भुत पुकार सुनकर मैं भला कैसे रुक सकता था रे शिवर? गणेश, आश्चर्य विवश कर दिया आपकी भक्ति के संगीत ने मुझे। ये कैसे संभव है? वो मुझे आपके पास खींच ही लाया। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपने इस भक्त को दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर सो सकूंगा प्रभु। मेरा विश्वास करिए प्रभु, आपके प्रति मेरी भक्ति अटूट है। मैं कभी उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आपके दर्शन हेतु मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो अवश्य करूंगा। आपकी भक्ति का आभास मुझे हो चुका है ऋषिवर। आपने जिस प्रकार मेरे चरणों में सिंदूर समर्पित किया, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ और सिंदूर मुझे अत्यंत प्रिय हो गया है। अब जो भी सच्ची भक्ति से मुझे सिंदूर समर्पित करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। और वो मेरी कृपा का भागी बनेगा। और आपका दिव्य नृत्य, आपका संगीत, वो तो अत्यंत मनोहर था। अब आपको और कुछ? अब और कुछ क्या करेंगे ऋषिवर? इतना तो सता चुके हैं आप इन्हें, अब इन सरल स्वभाव के ऋषिवर को और कितना सताएंगे? हाँ नहीं माते, माते क्षमा कीजिए, प्रभु स्वयं यहाँ पर नहीं आए। मैंने प्रभु का आह्वान किया है यहाँ पर आने के लिए। ऋषिवर, गणेश अपनी मीठी बातों से कैसे उलझाते हैं, उससे मैं ही नहीं पूरा आश्रम परिचित है। इसीलिए गणेश, अब जो भी कुछ कहना है माता पार्वती के सामने ही कहेंगे आप। चिंता मत कीजिए ऋषिवर, दो दो माताओं का स्नेह मिला है मुझे और दोनों के मन में मेरे लिए अपार ममता है। मुझे जाना होगा, कल भेंट होगी। अब आप विश्राम कीजिए। विश्राम तो वो तब करेंगे ना जब आप उन्हें करने देंगे। माता की आज्ञा का पालन नहीं किया आपने, अब तो आपको और दंड मिलेगा। चलिए माते, आइए आइए। भूल तो मुझसे हुई है जो मैंने भ्राता परम श्री कृष्ण के समान पुत्र मांग लिया। एक पल स्थिर नहीं रहता, सदा किसी न किसी नटखट लीला में व्यस्त रहता है। बहन, 16 कलाओं से पूर्ण हूँ मैं, अथा मेरे सामने गणेश की नटखट लीलाएं भी स्वाभाविक है। आप तो बस आनंद लीजिए उसकी लीलाओं का। देखिए गणेश, तो अब तुमने माता की आज्ञा भी नहीं मानी? नहीं माता, ये तो मैं कदापि नहीं कर सकता। आप विश्वास कीजिए, मैंने आपकी आज्ञा नहीं टाली। ओ तुम्हारा स्वर कुटिया के भीतर से? चलिए। देखा माता, मैं तो यही था, बस मेरा मन बाहर गया था ऋषि मुद्गल के पास। वो इतने भक्ति भाव से, इतने स्नेह से जो पुकार रहे थे मुझे। ओह, ये तो उचित है, गणेश ने मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया। देखा माता, फिर से अपने मीठी मीठी बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इनका मन यहाँ से बाहर गया था तो ये यहाँ ध्यान कैसे कर रहे थे? इनकी ये नटखट लीला तभी समाप्त होगी जब इनकी विधिवत शिक्षा होगी, अन्यथा ये नई नई लीलाओं से हमें भ्रम में डालते रहेंगे। नहीं नहीं माता, ऐसा नहीं है। बस गणेश,
मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। माता अहिल्या उचित कह रही हैं। तुम्हारा सुधार तभी होगा जब तुम कल से ऋषि गौतम के शिष्य बनोगे। तब देखती हूँ मैं कि कैसे तुम अपनी नटखट लीला करते हो। उचित है माता। प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं आनंद से झूम उठा हूँ। धन हो गया प्रभु, आपके इस भक्त को पूर्ण तृप्ति तभी प्राप्त होगी जब आप मुझे अपने परम ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति के स्वरूप का दर्शन देंगे। अब तो बस मुझे उसी पल की प्रतीक्षा है। क्या हुआ पुत्र, तुम्हें नींद नहीं आ रही? प्रणाम पिताश्री। भक्त की भक्ति की डोर क्या तुम्हें अपनी ओर खींच रही है? किंतु तुम तो उनके निकट गए थे पुत्र, तब तुमने ऋषिवर को अपने दिव्य दर्शन क्यों नहीं दिए जिसकी उन्हें इच्छा है? पिताश्री, आपसे कहाँ छिपा है कि माता की ममता और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम दोनों एक जैसे हैं। कोमल भी है और कठोर भी। माता दंड भी देती है और दुलार भी करती है, वैसे ही भगवान कृपा भी करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा? हाँ पिताश्री, ऐसी परीक्षा जो वो महर्षि लेंगे जो स्वयं आपके ही अंश अवतार हैं, और वो हमारे आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा पुत्र, तो पिताश्री ने उठा दिया तुम्हें? जी माता। अब शीघ्र जाके स्नान करो और अपने मित्रों के साथ गौतम ऋषि से शिक्षा पाना आरंभ करो। और हाँ, एकाग्रता से शिक्षा ग्रहण करना, और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। मैंने कहा था ना पिताश्री, माता की ममता में दंड भी है और दुलार भी। गणेश, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया माता, बस पिता और पुत्र की बातें हो रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी भोली बातों से बहलाने का प्रयास कर रहे हो? किंतु एक बात स्मरण रखना, गुरुकुल में नटखट लीला मत करना। जी माता। गणेश आओ, शीघ्रता करो। आ रहा हूँ मित्रों, ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा, पहले आप दोनों का आशीर्वाद तो ले लूं। आज गुरुकुल का पहला दिन जो है। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम माता। पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र, किंतु अब शीघ्र गुरुकुल पहुँचो और इधर उधर घूमकर समय व्यर्थ मत करना। उचित है माता। शिक्षा का क्या अर्थ है पता है? नहीं तो तुम बताओ। अब से सारे खेल बंद, अब से बस शिक्षा ही शिक्षा। गणेश, आज से बस सीखना ही सीखना, तो फिर खेल का समय कैसे मिलेगा? प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ वत्स गणेश? सभी शिष्य तो बैठ चुके हैं, क्या तुम्हें बैठने की इच्छा नहीं है? गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं, आप हमें ज्ञान देकर हमारे जीवन को उचित दिशा देंगे, इसलिए गुरु का स्थान शिष्य से कहीं उच्च होता है। और शिष्टाचार तो यही है कि गुरु के द्वारा आसन ग्रहण करने के पश्चात ही शिष्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। उचित कहा गणेश, शिष्टाचार के इस नियम का पालन तो सभी को करना चाहिए।
तुम्हारे शिक्षा का प्रथम दिन। गणेश के उदाहरण से तुम्हें ये सीख मिली कि शिष्टाचार ही आचरण का आधार है और आचरण ही चरित्र को निर्धारित करता है, अर्थात शिष्टाचार के नियमों का पालन कर हम अपने चरित्र को निखारते ही है, अपने जीवन को सवारते भी है। इस गुरुकुल में हम सब साथ में वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उन पर आधारित नियमों को भी सीखेंगे। माता पार्वती आइए, आपका गुरुकुल में स्वागत है। प्रणाम माता। धन्यवाद ऋषिवर। किंतु शिष्यों, तुम्हारी शिक्षा तो यहां आने से पहले ही आरंभ हो चुकी है, ये बताओ कि जन्म से अब तक किसने तुम्हें शिक्षा दी? इसका उत्तर भी बहुत सरल है शिष्यों, एक बालक की प्रथम गुरु तो उसकी माता ही होती है। हाँ ये तो सत्य है गुरुदेव, मेरी माता ने ही मुझे चलना सिखाया और उचित प्रकार से भोजन करना भी। हाँ गुरुदेव, मेरी माता मुझे सदा कुछ सिखाते रहती हैं। हाँ शिष्यों, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तो माता ही देती है। माता, ये मेरे शिष्यों का परम सौभाग्य है कि स्वयं जगत जननी के पाठ से इनका गुरुकुल आरंभ होगा। एक माँ की तो यही इच्छा होती है कि उसकी संतान को श्रेष्ठ शिक्षा मिले, जिसे आधार बनाकर वो ऐसे उत्तम जीवन की रचना करें जिस पर सभी को गर्व हो। तो अब मेरे प्रश्न का भी उत्तर दो, जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका है? बहुत ही सरल, जन्मदाता माता पिता और गुरु जो ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देकर सुंदर और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो आप सबके जीवन में इन तीनों का बड़ा योगदान है। कुम्हार गीली मिट्टी को ठोस रूप देकर उसे पात्र बनाता है, किंतु क्या मिट्टी को चाक पर रख देने भर से वो पात्र का आकार ले लेती है? माता, उसके लिए तो कुम्हार के दोनों हाथ और उसके चाक तीनों का योगदान आवश्यक है। हाँ पुत्र, कुम्हार के दोनों हाथ मिट्टी को सींचते हैं, आकार देते हैं, और चाक उसे गढ़ने का आधार बनता है। दोनों हाथ माता पिता हैं और गुरु वो चाक है। ये तीनों ही आपके वर्तमान और भविष्य दोनों के कारक हैं, इसलिए हमें तीनों का सदैव सम्मान करना चाहिए। मैं आपको इनकी वंदना सिखाऊंगी। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। माता, स्वामी, उनका आगमन हो गया है। कौन देवी? वही जो तपोबल के धनी है, जो दिव्य है, जो ईश्वर तुल्य है, जिनका अपार तेज और जिनका अपार क्रोध भी सर्वज्ञात है। महर्षि दुर्वासा। अद्भुत, बहुत ज्ञानी ऋषि है ये, किंतु क्रोध भी करते हैं,
हाँ, देवता भी इनसे डरते हैं। कुछ गड़बड़ मत कर देना, एक बार क्रोध से देख लिया तो भस्म हो जाओगे। क्या हुआ माता, आप अचानक इतनी चिंता में क्यों आ गए? ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऋषि दुर्वासा हमारे आश्रम में पधार रहे हैं। स्वामी, जो पल भर में क्रोधित होकर श्राप दे थे, जिन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को कदली फल बन जाने का श्राप दे दिया, मैं आपको इसी क्षण भस्म होने का श्राप देता हूँ। उन ऋषि दुर्वासा के आगमन पर प्रसन्नता भी है किंतु चिंता भी है। क्योंकि यदि गणेश ने अपने नटखट स्वभाव के कारण उनके सामने कोई भूल कर दी तो मुझे भी देखना है ऋषिवर को। भूल तो हो गई है, अब गणेश ऋषिवर के सामने भी आ गया। पता नहीं क्या करेगा गणेश, और इसका परिणाम क्या होगा? प्रणाम हे महर्षि, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, और इसे गुरुदेव के नन्हे शिष्यों द्वारा आपका पद प्रक्षालन ही समझिए। मेरे क्रोध से सभी परिचित हैं, किंतु बड़ी चतुराई से तुमने मेरी जागृत होने वाली क्रोधाग्नि को जल से मेरे पद का प्रक्षालन करके शांत कर दिया। हो न हो, वो तुम ही हो। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये तो मुझे पता नहीं ऋषिवर, किंतु मैं तो गणेश हूँ, जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती का पुत्र। हमारा प्रणाम भी स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर गौतम, प्रणाम माता पार्वती। ऋषिवर क्षमा कीजिए, मैंने आपकी कक्षा में विघ्न डाल दी, किंतु मैं स्वयं को रोक भी कैसे पाता? मुझे पता चला स्वयं महादेव माता पार्वती अपने पुत्र के साथ यहाँ आश्रम में है। नहीं ऋषिवर, आप हमारी चिंता ना करें, आपके दर्शन दुर्लभ है। ये तो मेरा और मेरे शिष्यों का सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। उनके शिक्षा के आरंभ में ही आपका दर्शन हो गया ऋषिवर, आप लंबी यात्रा कर थक गए होंगे। मैं आपको अतिथि कुटिया ले चलता हूँ, वहाँ विश्राम करें। ऋषि दुर्वासा के यहाँ आने का एक विशेष प्रयोजन है, ऋषि मुद्गल की परीक्षा, जिसके लिए मुझे उनका साथ पाने का अवसर ढूंढना होगा, जिससे ऋषि मुद्गल उनके सामने आए और ऋषि दुर्वासा उनकी परीक्षा लें। आइए ऋषिवर। रुकिए गुरुवर। गुरुदेव क्षमा कीजिए, मैंने आपको रोका, किंतु शिक्षा का लाभ तो तभी है ना जब उसे जीवन में अपनाया जाए, और माता ने अभी शिक्षा दी है कि माता पिता और गुरु का सदा सम्मान करना चाहिए। इसलिए जब शिष्य यहाँ है तो गुरुदेव को जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उनके कार्य करना, उनकी सेवा हम सभी का और मेरा भी कर्तव्य है, इसलिए महर्षि दुर्वासा को भी उनकी कुटिया तक मुझे ही ले जाना चाहिए। मुझे अनुमति दीजिए गुरुदेव। इससे अधिक आनंद की बात और क्या हो सकती है भला।
उचित है गणेश, ऋषिवर को उनके कुटिया तक ले जाओ। आइए ऋषिवर। ऋषि मुदगल के साथ उन्होंने जो उपहास किया था, कहीं गणेश ऋषि दुर्वासा के साथ कोई ऐसा व्यवहार न करते। नहीं देवी अहिल्या, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। मेरा पुत्र नटखट अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऋषि दुर्वासा के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। माता, गणेश ने जो कुछ भी किया है वो आपसे छिपा नहीं है, फिर भी आपको उन पर इतना विश्वास है। ऋषिवर, हमारे आश्रम के तो भाग्य ही खुल गए हैं। आज आपने यहाँ आकर हमें कृतार्थ किया, तो कल एक और महान ऋषि यहाँ पधारे थे। अच्छा, कौन है वो ऋषि? मुदगल ऋषि, जो परम ब्रह्म महागणाधिपति जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसी भक्ति है उनकी कि भगवान को भी अपनी भक्ति के रंग में रंग लेते हैं। इतने महान ऋषि के दर्शन तो हमें शीघ्र करने चाहिए। शीघ्र क्यों ऋषिवर, उनसे तो आप अभी भेंट कर सकते हैं। वो देखिए, वो रहे ऋषि मुदगल। ओम गण गणपते हे नमः, ओम गण गणपते हे नमः। किंतु वहाँ वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने व्रत लिया है। वो 15 दिनों में एक ही बार भोजन करेंगे और पेड़ पौधों से तोड़कर कुछ भी नहीं खाएंगे। जो भूमि पर गिरा होगा वही उठाकर उसे अपना आहार बनाएंगे। जब तक उन्हें प्रभु महागणाधिपति के दर्शन नहीं मिल जाते। आइए ऋषिवर, ये आपकी कुटिया है और इधर ऋषि मुदगल की। इतने महान ऋषि की कोई कैसी भी परीक्षा क्यों ना ले ले, मुझे तो पूर्ण विश्वास है ऋषि मुदगल उसमें अवश्य सफल होंगे। आज्ञा ऋषिवर। क्या ऋषि मुदगल वास्तव में इतने महान है कि स्वयं पालनहार गणेश उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे? मैं आपके लिए पुष्पहार लेकर आई हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे कार्यकाल में मत डालो, मेरा कोई दोष नहीं त्रिलोकनाथ। मैंने तो सत्य बताने का प्रयास किया था। त्रिलोकनाथ, मैंने बताने का प्रयास किया था, मैंने किया था। मैं इसमें और विलंब नहीं कर सकता। जो बात मैं अभी तक बोल कर नहीं बता पाया वो मैं लिख कर बताऊंगा। ओम गण गणपते हे नमः, ओम गण गणपते हे नमः, ओम गण गणपते हे नमः। इतना मेरे लिए पर्याप्त है प्रभु। इसकी दलिया बनाकर आपको भोग चढ़ाऊंगा, उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करूंगा। इतने महान ऋषि की कोई कैसी भी परीक्षा क्यों ना ले ले, मुझे तो पूर्ण विश्वास है ऋषि मुदगल उसमें अवश्य सफल होंगे। उचित है, मैं इनकी अत्यंत कठिन परीक्षा लूंगा। भावनाओं, विचारों, धैर्य और भक्ति की परीक्षा है ये। इसका परिणाम उन सभी के लिए उत्तर होगा जिन्हें गणेश पर लेस मात्र भी संदेह है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते हे नमः। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। महर्षि दुर्वासा अब ऋषि मुदगल की परीक्षा अवश्य लेंगे, तो मुझे गुरुदेव के पास लौट जाना चाहिए। ओम
परमेश्वर प्रभु त्रिलोकनाथ, जो समाचार आपको बताकर भी नहीं बता पा रहा था वही समाचार आपको फिर से बताने आया हूँ। और ये समाचार इतना महत्वपूर्ण है कि न बताया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। क्या है, क्या है इतना महत्वपूर्ण जो स्वर्ग के सुख में भी तुमने दुख ढूंढ लिया? त्रिलोकनाथ, आपने बहुत कृपा की है मुझ पर, किंतु जो सुख मुझे चुभ रहा है मैं उसमें सुखी कैसे रह सकता हूँ? पहेलिया मत बुझाओ, कहो क्या कहना है। वही त्रिलोकनाथ, जो मैं बोलकर भी नहीं बोल सका वो अब मैं लिखकर बताना चाहता हूँ। कुशलासुर, तुम डाल डाल तो मैं पात पात, जो तुम करने जा रहे हो उसका भी उपाय है मेरे पास। तो समय व्यर्थ मत करो, लिखो अभी यहाँ। गुरुवर, एक विनती है, स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हमें अक्षर लिखने का अभ्यास करने की इच्छा है। देवी अहिल्या, पुत्र गणेश अपनी नटखट लीला त्याग कर किस प्रकार अपनी शिक्षा में ध्यान दे रहा है? माता को गणेश पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरे मन में तो अभी भी उनकी नटखट लीलाओं को लेकर अनेकों चिंताएं हैं। ये तो बहुत उत्तम विचार है वत्स, उचित है। अक्षर ज्ञान के आरंभ में हम सर्वप्रथम ओम लिखना सीखेंगे। यही एक अक्षर है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इसमें अ, उ और म का मेल ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मेल का प्रतीक है। ओम लिखकर त्रिमूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम सभी की शिक्षा सरल ही नहीं होगी, उसमें दिव्यता का भी वास होगा। लिखिए शिष्यों, मिटा देता हूं। ये सत्य आपसे छिपा नहीं रहना चाहिए त्रिलोकनाथ, यही मैं आपको बताने के लिए आतुर हूं। जो अनेक बार बता चुके हो वो और कितना बताओगे? मुझे ज्ञात है गणेश मृत है। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ और लिखा था। फिर वही करना होगा मुझे। ये देखिए प्रभु, बार बार मेरा समय नष्ट कर रहे हो। स्वर्ग का सुख पाकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। तुम उसके योग्य हो ही नहीं, डाल दो इसे कारागार में, ये इसी के योग्य है। नहीं प्रभु, मेरी बात का विश्वास कीजिए प्रभु। यातनाएं दो इसे, तब समझ आएगा क्या सोचना है और क्या कहना है। त्रिलोकनाथ, मेरी बात का विश्वास कीजिए त्रिलोकनाथ, मेरा विश्वास कीजिए त्रिलोकनाथ।
सिंधु का आशय कुछ और था, किंतु भूल से ही उसने जो कहा उचित कहा, क्योंकि उसी कारागार में कुशाला सुर को सत्य का ज्ञान होने वाला था। किंतु उससे पहले संसार प्रभु महागणाधिपति के वास्तविक स्वरूप का साक्षी बनने वाला था। एक महान भक्त की परीक्षा होने वाली थी और देवी परीक्षा भक्त की थी, किंतु विचलित स्वयं भगवान होने लगे थे। अब वो घड़ी निकट थी जब ऋषि मुद्गल की परीक्षा महर्षि दुर्वासा लेने वाले थे। माता पिता और गुरु का स्थान व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही व्यक्ति के उत्तम चरित्र का निर्माण कर जीवन के लिए सबल आधार प्रदान करते हैं।